कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में बुलाया। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के हेडक्वार्टर नहीं जा पाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय के छापे के बाद शुक्रवार को तेजस्वी यादव की पत्नी को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह गर्भवती हैं और 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीपी की समस्या के कारण बेहोश हो गई थी। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, वहीं अब तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस मामले में दूसरी बार समन भेजा है। इससे पहले तेजस्वी यादव को 4 फरवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था और इसके लिए बकायदा उन्हें समन भेजा गया, लेकिन विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर वो दिल्ली नहीं आए। अब उन्हें फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया। वहीं इस कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, आप भी सुनिए। नौकरी को लेकर के आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई। हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे, वो आने का सिलसिला जब आपको हम बता दें, जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। आप 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का, तो वो चीज को हम लोग किया जाए। इससे पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली एनसीआर, मुंबई और पटना में 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। लालू यादव की बेटियों के घर पर ईडी ने रेड डाली। इसी के साथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित तेजस्वी के घर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की और कई अहम दस्तावेज जब्त किए। ईडी के रेड के एक दिन बाद ही सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते वे आज भी पेश नहीं हो पाए।